किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए तो वो एग्जाम किस काम का। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी एपी के प्रथम तीन पद 3y-1, 3y+5 और 5y+1 हो तो y क्या है। यहाँ पर आपको एक एपी दे रखी है, एपी एक समांतर श्रेणी जहां हमारा जो डी होता है, इन दोनों के बीच का सार्वंतर, इन दोनों के बीच का सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। कहने का मतलब है कि डी इक्वल्स टू, हमारे पास हम लिख सकते हैं कि जो 3y+5 है अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं पहला पद यानी 3y-1 तो हमारा डी आएगा। तो हम डी निकाल लेते हैं, 3y+5 माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y+1, माइनस का और प्लस का 3y कट हो गया, तो d इक्वल्स टू आपके पास में 5 6 हो गया आपके पास में 5+1। अब आप देखिए दूसरा यहां से निकालेंगे, d रिपीट निकालना होगा हमें कि 5y+1 और ये, और इसमें से हम दूसरा पद माइनस करेंगे 3y+5। इसको सॉल्व करिए, 5y+1 माइनस 3y माइनस 5 और डी का मान हमारे पास में 6 है। देखिए 6 इक्वल्स टू 2y, 5y में से 3y गया तो, और इसमें से ये गया तो माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आकर हो जाएगा 6 और 4 10 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5, तो y का मान आपके पास में 5 आया। इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे। थैंक यू सो मच।